फ्रेंड, मैं हूँ रेशमा। वेलकम टू आवर शो रेशमा का जायका। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जो आपको जो पसंद आएगी। इससे पहले मैंने वीडियो में छोले बनाए हैं जो आपने वीडियो आप देखेंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे जो बहुत ही अच्छे और डिलीशियस होंगे, जो आपको देख के ही पसंद आएंगे और आप खाना चाहेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैंने भटूरों के लिए ये लिया है मैदा 1/2 kg और ये सोडा है, दही, बेकिंग सोडा है, दही, पानी और ये नमक। दही मैंने विस्कर से अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें सोडा डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये दही मिला लूंगी। दही मिला के सब अच्छे से मिक्स करेंगे जितने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और फिर उसको धीरे धीरे पानी से गूंदेंगे। सो फ्रेंड, मेरा ये भटूरे का डो तैयार है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। सो फ्रेंड, मेरा डो तैयार हो गया था, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था। अब इसकी हमने लोइयां बना ली हैं, अब मैं इसको बेलूंगी। ये देखिए, मैं भटूरे बेल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैंने भटूरे को तेल में डाल के ये देखिए कितना फूला फूला आया, गोल गोल फूला फूला। टिश्यू पेपर की प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इसको टिश्यू प्लेट में निकाल लूंगी। मैंने ये टिश्यू पेपर लगाया है ताकि इसका ऑयल इसमें अब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, ये फूले फूले मेरे भटूरे तैयार हैं। ये देखिए कितने फूले फूले भटूरे मेरे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये तैयार हो गया। ये देखिए, मेरे छोले भटूरे तैयार हैं। और मैंने छोलों की वीडियो अपनी डाल ली है ताकि आप लोग इसको देखिए और बताइए छोले और भटूरे मेरे कैसे बने। हमारी वीडियो छोलों की डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। सो हमारी ये भटूरों की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।